इस वीडियो में मैम ऐसे फाइबर यस स्टूडेंट्स स्क्रीन इज विजिबल टू यू यस प्रबल स्क्रीन इज विजिबल टू यू बेटा यस मैम थैंक यू थैंक यू Yes, students. Now you can see we are celebrating 75 years of independence, and you know, as you know, we are celebrating 15 of us and independence. This Independence Day is very important because this is the Platinum Jubilee. What is the meaning of Platinum Jubilee? Like after 25 years, we celebrate Silver Jubilee. After 50 years, we celebrate Golden Jubilee. And after 75, we are celebrating Platinum Jubilee. So this is very important from the point of view of our independence. And you know, this day was brought to us by many revolutionaries. Many people, they sacrificed their lives. And now you can see on the screen, Pandit Jawaharlal Nehru, our first prime minister, he gave speech, and at that time their first word was at the stroke of midnight as India moved into August 15, 1947. Okay, yani ki ye unhone us din 15 august raat ko 12 baje inki speech ka part tha ki unhone ye kaha tha ki jo 15 august ka day hai wo jo Indians hain unke liye ek naya jo hai nayi morning lekar aaye. So this day is very important. एंड आपको पता है हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स थे अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटिव हमारी कंट्री में आने का क्या था? स्पाइसेस, ट्रेड, गुड्स वर एक्सचेंज फ्रॉम आर कंट्री टू फॉर यूरोपियन कंट्रीज. एंड एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स दे केम हियर, उनका मेन यहाँ पे मोटिव क्या था? लेयर एक्टिविटीज, शिकार करने के लिए आते थे और हमारे नेचुरल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ यहाँ से, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, जो भी हम ये कह सकते कि हमारी कंट्री में जो भी ट्रेडिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो उनके सेल्फिश मोटिव्स के लिए होता था. एंड बच्चे ये आपने सारा 8th में व्हेन पीपल रिबेल में ये पढ़ा है कि जब लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो लोग कैसे उसको रिवोल्ट करते हैं. अपने मंगल पांडे, जब भी किसी रेवोल्यूशनरी का नेम, हमारे फ्रीडम फाइटर का नेम आता है, सबसे पहले नाम किनका आता है? मंगल पांडे. मिलिट्री रिवोल्ट आप बच्चों ने सबने पढ़ा है बच्चे, 1857 रिवोल्ट, ठीक है. सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, बच्चे 1915 में महात्मा गांधी ही केम इन टू इंडिया एंड आफ्टर दैट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड, क्लियर. एंड एट दैट टाइम मेनी इंडियन किंग्स दे सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, बहुत से इंडियन किंग्स जो थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, बट स्टिल वी कैन से दैट मेनी पीपल दे फॉर दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अनजस्ट ब्रिटिश रूल. एंड आज बच्चे जो आप आजादी, हम कहते हैं आजादी हमें मिली है, आप बच्चों के लिए आजादी क्या है? फ्रीडम. लेकिन रियल सेंस में फ्रीडम का मतलब क्या है कि नाउ वी आर अंडर आर ओन गवर्नमेंट, बट बिफोर 1947 वी पीपल वर नॉट गिवन राइट टू वोट, ठीक है. बट नाउ वी आर फुली इंडिपेंडेंट, वी कैन चूज आर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है. सो ईच ईयर 15 अगस्त gives us a lesson to celebrate. हर साल बच्चे हम 15 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें जो ये आजादी आज मिली है, ठीक है, इसके पीछे कितने ही लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, कितनी ही फैमिलीज ने सेक्रीफाइस किया. उनमें से बहुत से इंपॉर्टेंट नेम जो है, राजगुरु, भगत, सुखदेव, ठीक है, और बहुत से फ्रीडम फाइटर्स, कुछ ऐसे भी हैं जिनका तो नाम भी नहीं आपको याद हो और इनका कंट्रीब्यूशन आपने कहीं बुक्स में भी नहीं पढ़ा, ठीक है. तो इट मींस जब भी आप इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आप उनको याद करते हो, ठीक है, आप आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हो, आप उस डे को सेलिब्रेट कर रहे हो जिस दिन हमें फ्रीडम मिली. तो हमें ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस डे को पाने के लिए बहुत सी फैमिलीज ऐसी थी जो इस इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट नहीं कर पाई. नो डाउट उनकी सारी लाइफ
उन्होंने इंडिपेंडेंस को पाने के लिए गवा दी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वो लोग इंडिपेंडेंस का जो न्यू एरा है उसको नहीं देख पाए. एंड यू नो दिस इज अ डे आल्सो व्हेन आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस, इवन इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान. क्लियर? तो हमारी कंट्री में जो है डिवीजन हुई थी एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन. क्लियर? एंड दिस डे इज आल्सो एज अ नेशनल हॉलीडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, इनको नेशनल हॉलीडेज कहा जाता है. पूरा नेशन इनको सेलिब्रेट करता है. आपके लिए इंडिपेंडेंस डे का मतलब सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि एक दिन के लिए आपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, फ्लैग लगा दिया. आपके लिए आजादी का मतलब क्या है कि आप खुद एफर्ट करो अपनी कंट्री को आगे. आपको पता है अभी भी हमारी कंट्री डेवलपिंग है. डेवलपिंग का मतलब डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आप कंट्री का फ्यूचर हो एंड आप एफर्ट्स करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो ही हमारी कंट्री आगे डेवलप नेशन बन सकती है. और वो तभी बनेगी जब आप सभी बच्चे इसके लिए एफर्ट करो. और कल सभी बच्चों ने 15 अगस्त जो है उसको रेड फोर्ट, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है ना मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, आप सब बच्चे उनको देखोगे. एंड इस बार नया क्या है, इस बार है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसको 75 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रगान.com जो है एक लिंक शेयर किया है, आपको शेयर किया होगा ना व्हाट्सएप पे. इसमें आपने बच्चों ने क्या करना है, नेशनल एंथम अपना अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करना है एंड देन यू विल गेट सर्टिफिकेट. ठीक है? एंड आपको पता है वी वॉन्ट टू बी क्रिएट अ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है हमने इंडियन से. और कल 15 अगस्त को आफ्टर स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर दिस नेशनल एंथम विल बी प्लेड. और ये जितने लोग अपनी वॉइस में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उसको एक आवाज बनाया जाए, यानी कि सबकी यूनिटी हम ये कह सकते हैं कि सब लोगों की कॉमन वॉइस जो है उसमें नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा. इवन रेड फोर्ट पे भी और एयरपोर्ट, हमारी कंट्री के जो एयरपोर्ट है उसमें भी प्ले हो. तो कल आप सब बच्चों ने 15 अगस्त की जो स्पीच है उसको प्रॉपरली वॉच करोगे एंड देन आफ्टर वॉचिंग यू विल सेंड मी मैसेज. आप बच्चों ने मुझे मैसेज सेंड करना है हाउ यू फील, कैसे आपने फील किया. और ये रेड फोर्ट पे भी प्ले होगा और इवन ये एयरपोर्ट पे भी प्ले होगा. ठीक है? सो नाउ इट्स आवर ड्यूटी दैट ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे लेट्स ऑल टेक अ प्लेज. आप बच्चों ने मेरे साथ बोलना है, मेरे पीछे बोलोगे. ठीक है? यस, वी विल बिकम रिस्पॉन्सिबल and good citizens of our country and will make every effort to make it best in the world. Happy Independence Day in advance and you will enjoy this day. This day is special क्योंकि कल हमारी country जो है वो 75 years of Independence Day celebrate कर रहा है. ठीक है बेटा? God bless you. Okay, thank you. So, okay, yes. So, students, now I am going to unmute one of you, any student. Then you will just tell me about your independence. What is the meaning of independence for you? आपके लिए इंडिपेंडेंस डे या इंडिपेंडेंस का क्या मीनिंग? एनीवन अनवे? यस बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर यू पीपल? हाउ यू फील इंडिपेंडेंस शुड बी देयर? हम कहते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट. रियली वी आर इंडिपेंडेंट? रियली आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट? यस अनवे, खुल के रहना. यस, एक्सप्लॉयटेशन खुल के रहना, एक्सप्लॉयटेशन नो हमारे लिए, रिस्ट्रिक्शंस नो. According to you, independence means okay. Very good. Yes, Jaywan. हाँ जी बेटे, Jaywan. Yes, beta. What according to you? For me, Independence Day is very much important because if there will be no independence, then we will
And we don't know that we should have an independent democracy and yes, yes. Mani, what according to independence is? Independent. All should be given equal treatment. Girls and boys should be given equal. And if yes, Pulke, keep off your video, beta. Keep off your video. Okay? Yes, it means we all should be treated as equal. हमें खुद भी एक दूसरे को equal treat करें और हमें भी equal treat किया जाए. तो real sense में independence जो है वो तभी celebrate होगी जब हम efforts करेंगे अपनी country में. And ये किसी एक person से नहीं, पूरी society change लेकर आएगी. Clear beta? So this was all about my presentation. Hope you have liked it. And now it's your duty. जो आपने प्लेज लिया है इस प्लेज को फुलफिल करो. आप इस कंट्री के फ्यूचर हो. नाउ इट्स योर ड्यूटी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये वर्ड्स कहे थे ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. ठीक है? यस. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर, दैट इज मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस. फर्स्ट पार्ट आई हैव कवर्ड मिनरल्स. Now, uses of minerals. Uses of minerals. Minerals जो है ये हर इंडस्ट्री यानी कि हर सेक्टर में minerals यूज किए जाते हैं. Yes, number one. मिनरल्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं? मिनरल्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज. अगर मिनरल्स ना होते हैं तो शायद इंडस्ट्रीज भी नहीं होती. ठीक है? देन सेकंड इज मिनरल्स जो है गोल्ड, फॉर एग्जांपल गोल्ड ज्वेलरी आइटम, गोल्ड एंड सिल्वर मिनरल्स आर यूज फॉर ज्वेलरी मेकिंग. ठीक है? देन कॉपर, कॉपर इज यूज टू मेक क्वाइंस. मिनरल्स जो है क्वाइंस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर इज अनदर इम्पॉर्टेंट मेटल दैट इज यूज टू मेक क्वाइंस. इवन दैट इज ऑल्सो यूज, ठीक है, फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी. देन सिलिकॉन is used in the computer industry. Okay? And bauxite, bauxite jo hai that is used to make automobiles, automobiles banane ke liye use kiya jata hai bauxite. Airplane, bauxite is used to make airplanes, automobiles. Okay? Then buildings, iron and steel, आयरन एंड स्टील जो है वो बिल्डिंग्स बनाने में यूज किया जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ मिनरल्स. क्लियर? सो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है लेकिन उसका स्टॉक लिमिटेड है तो हमारी ड्यूटी क्या होती है? वी शुड कंजर्व. हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम कैसे इसको बचा सकते हैं? उसके लिए बेस्ट जो स्लोगन हम हमेशा याद रखते हैं, रिसाइकल, या तो हम उसको मेटल्स को क्या करें, मिनरल्स को क्या करें, रिसाइकल करें, या फिर उसको क्या करें, रीयूज, रीयूज कर सकते हैं. या अगर वो बहुत ज्यादा लिमिटेड क्वालिटी क्वांटिटी में है, ठीक है, तो हम उनके यूजेस को रिड्यूस भी कर सकते हैं. थ्री आर्स मीन्स रिसाइकल. आपके घरों में बहुत चीजें आप रिसाइकल के लिए देखते हो. क्या क्या देखते हो रिसाइकलिंग के लिए? कई बार क्या होता है आपके घर में कुछ वेस्ट होता है, आप उसको डस्टबिन में नहीं फेंकते. प्लास्टिक क्या करते हो उसको? हाँ, न्यूज़पेपर, और उसको क्या करते हो आप? रिसाइकलिंग के लिए दे देते हो. सेकेंड इज कई चीजों को आप रीयूज कर लेते हो. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या होता है? उसको रीयूज करना. गिव मी एनी वन एग्जांपल उसको आप रीयूज कर सकते हैं.
बॉटल, वेरी गुड, प्लास्टिक बॉटल जो है उनके उनके अंदर आप प्लांट्स उगा सकते हो. देन रिड्यूस, सपोज हमें पता है कोई चीज बहुत कम है उसको कम यूज करें, लाइक पेट्रोलियम. हमें पता है पेट्रोलियम की लिमिटेड क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ठीक है. तो हम अगर सपोज हमने घर के आसपास कहीं जाना है, हम वॉकिंग डिस्टेंस में भी जा सकते हैं, साइकिल पे भी जा सकते हैं, आजकल तो साइकिलिंग का बहुत ट्रेंड है, हम रिड्यूस भी कर सकते हैं. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कंजर्व मिनरल्स, बिकॉज मिनरल जो है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, ठीक है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मिनरल्स एक ही बार में नहीं बनते हैं, बहुत टाइम लगता है इनको बनने में, इनकी फॉर्मेशन में, ठीक है. एंड सो इट इज नेसेसरी दैट वी शुड रिड्यूस, या तो उसका यूज जो है उसको रिड्यूस कर दें, क्लियर, या फिर हम की क्या करें, रिसाइकलिंग करें, वेस्ट मटीरियल को रिसाइकलिंग किया जाए ताकि हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व करें. हम कहते हैं ना सेव पेट्रोल, ठीक है, सेव पेट्रोलियम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक का यूज कम करो, क्योंकि प्लास्टिक आगे जाकर क्या है, पॉल्यूशन स्प्रेड करता है, क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिनरल्स. नाउ वी विल डू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पावर. आप बच्चों के लिए पावर का सिर्फ क्या मतलब है, टेलीविजन ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, पावर की प्रॉब्लम आई. सेकेंड थिंग, आप बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम है आजकल के टाइम पीरियड में, अगर लाइट चली जाती है तो आपका इंटरनेट, ठीक है, सपोज, ठीक है, आपके लिए पावर जो है दैट इज आपके लिए मेन इंटरनेट जो है वो यूज होना चाहिए. मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है, 0% है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो यू कांट चार्ज योर मोबाइल फोन. पावर, दीज आर ऑल पावर रिसोर्सेस जो पावर देते हैं, पावर जनरेशन, पावर और एनर्जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, आजकल पावर तो बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है, इंडस्ट्रीज के लिए भी जरूरी है. तो दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है. तो अब हमने बताना है पावर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं. मैंने जैसे आपको भी बताया पावर के यूजेस कहाँ होते हैं बच्चे, इंडस्ट्रीज. बेटा बड़ी बड़ी मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, मैकेनाइज काम जहां पे होता है. सेकेंड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मोटर चलाए चलाओगे तो पानी आएगा. एग्रीकल्चर, ठीक है. और थर्ड किसमें है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग ट्रेन है तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन. इवन यो बाइक, क्या है यो बाइक, व्हाट इज यो बाइक, यो बाइक क्या होती है, कौन बताएगा, यो बाइक क्या होती है, इसको बैटरी से चार्ज किया जाता है ना, ये इसके लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसी, हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है. ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस जो है हमारी कंट्री में, डिफेंस जो है उसको भी पावर की जरूरत है, ठीक है. तो पावर रिसोर्सेज जो हैं इनको आगे अलग अलग तरह से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है. लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज, टाइप्स. बच्चे याद रखो, बहुत सिंपल है, पावर रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक है. सबसे पहले याद रखो कन्वेंशनल सोर्सेस क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर और एनर्जी जो ट्रेडिशनल हैं. कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल, जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, पुराने. कन्वेंशनल मीन्स ओल्ड, ट्रेडिशनल विच वी आर ऑलरेडी यूजिंग, ठीक है. कन्वेंशनल सोर्सेस कौन से हैं जो हमें ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल फायरवुड विलेज एरिया में जब लोग एलपीजी सिलेंडर नहीं होते थे तो लोग खाना बनाने के लिए क्या यूज करते थे? फायरवुड. फायरवुड इज अ कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल. फॉसिल क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ डेड. ठीक है, डेड एनिमल्स या डिकेड एनिमल्स. ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल. तो दैट इज अ कन्वेंशनल. कन्वेंशनल है ये. हाँ जी, यूज करते थे एनर्जी के लिए, यूज करते फॉसिल फ्यूल भी होते. ठीक है, हाँ जी, ठीक है. रेस्ट, टाइम इज ओवर नाउ. आई विल डिस्कस दिस चैप्टर ऑन ट्यूजडे. ठीक है, थैंक यू.